प्रभाकर हॉस्पिटल जो कि असंद रोड पानीपत में स्थित है। प्रभाकर हॉस्पिटल अपने इलाके में बहुत ही बढ़िया तरीके से सहूलतें दे रहा है। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने प्रभाकर हॉस्पिटल का विशेष दौरा किया और डॉक्टर संदीप प्रभाकर जी के साथ विशेष मुलाकात की। पेश है पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं प्रभाकर हॉस्पिटल जो कि पानीपत में स्थित है और पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहा है, चाहे वो सर्जरी की बात हो, ओपन सर्जरी की हो, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की हो, चाहे गायनी की बात हो, उसमें डिलीवरीज की बात हो, चाहे इनफर्टिलिटी के जो भी आजकल नए नए टेक्निक्स हैं उसकी बात हो, तो ये सारा एक ही छत के नीचे ये यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमें बताएं कि कोई समय था जब सर्जरीज, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज नहीं थी, और उस समय पर और इस समय पर क्या फ़र्क है सर्जरीज में? लगभग 20 साल का समय हो गया जब पानीपत में मैंने प्रैक्टिस आके शुरू की थी एज ए सर्जन। तब और आज में लोगों की सोच में ही बहुत फ़र्क हो गया है। उस समय एक तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नई नई आई थी इंडिया में, कुछ साल ही हुए थे, और लोगों का रुझान नहीं था। जब हम लोगों को ये सजेस्ट करते थे कि आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराओ, तो पेशेंट खुद ही मना करते थे कि नहीं, हमने दूरबीन वाली नहीं सर्जरी करानी, हम तो ओपन सर्जरी कराएंगे, कट लगा के सर्जरी कराएंगे, और इसमें ये हो जाता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, इसमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हो सकता है कुछ हद तक वो सही भी हो, क्योंकि एक नई टेक्निक आई थी, तो शुरू शुरू में सर्जन्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे उसको करने के। तो इस तरह से वो धीरे धीरे उस एवोल्यूशन फेज़ को हमने देखा है, जो मतलब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। हम उस जनरेशन के सर्जन हैं जिन्होंने वो चेंज होते देखा। जब हम प्रैक्टिस में आए तो उस समय लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आई थी, और 7-7 दिन जब ओपन सर्जरी करते थे पेशेंट, 5 दिन 7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे, 3 दिन तो कम से कम था, कोई भी सर्जरी करो तो उसको एडमिट रखना पड़ता था। फिर धीरे धीरे सर्जन्स भी एक्सपर्ट हो गए, उनका एक्सपीरियंस बढ़ गया, तजुर्बा बढ़ गया, और पेशेंट्स में भी कॉन्फिडेंस आ गया, उनमें भी थोड़ा विश्वास आया कि नहीं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अच्छी है। और अब समय ये आ गया है कि 20 साल बाद के पेशेंट खुद ही बोलता है कि मुझे दूरबीन वाला ऑपरेशन कराना है। एक आम लैंग्वेज में वो दूरबीन वाला ऑपरेशन कहेगा या लेज़र वाला ऑपरेशन कहेगा, जो भी उसको मान लें। तो अब पेशेंट की चॉइस बाय चॉइस आ रहा है, पहले हम सजेस्ट करते थे, अब वो खुद आ रहे हैं। और अच्छी सर्जरी है, एक दिन में छुट्टी हो जाती है पेशेंट की, मेजर कोई भी सर्जरी हो, नेक्स्ट मैक्सिमम आगे नेक्स्ट डे सुबह हम छुट्टी कर देते हैं, या उस दिन शाम को भी छुट्टी कर देते हैं। और हर तरह की सर्जरी लैप्रोस्कोपिक, हिस्टोस्कोपिक पॉसिबल है। यूरोलॉजी में PCNL वगैरह आजकल नई टेक्निक्स आ गई हैं स्टोन निकालने की, बड़े बड़े चीरे दे के, बड़े बड़े इंसीजन दे के अब करने की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में। डॉक्टर साहब, आप जिन्होंने ओपन सर्जरी भी की हैं और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की है, दोनों तरह के आपको तजर्बे हैं, क्या जो भी लैप्रोस्कोपिक सर्जन है उसको दोनों तरह की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि नहीं? ये बड़ा ही अहम सवाल आपने पूछा है। हम उस जनरेशन के सर्जन हैं जिन्होंने शुरुआत की थी ओपन सर्जरी से, जिनकी ट्रेनिंग ओपन सर्जरी से हुई थी, और हमारी पढ़ाई लिखाई भी ओपन सर्जरी की हुई थी। बाद में 1993-94 में मैंने 92 में MS की थी, 93 में फर्स्ट टाइम इंडिया में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू हुई थी। बॉम्बे में एक दो सर्जन्स ने शुरू की थी जो पायनियर्स माने जाते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के। फिर दिल्ली में भी एक दो सर्जन्स ने शुरू की। तो हम उस फेज़ के डॉक्टर हैं जब हमने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर पेशेंट के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अच्छी नहीं है, और ना ही ज़रूरी है, ना ही करनी चाहिए, और हर पेशेंट के लिए ओपन सर्जरी ज़रूरी नहीं है। पर हर लैप्रोस्कोपिक सर्जन को ओपन सर्जरी का मास्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी वो ओपन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में फंसता है, जहां हमें उसको छोड़ के ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी, तो उसको दोनों टेक्निक्स की मास्टरी बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने पूछा है। आजकल हम देख रहे हैं कुछ नए दौर में बिल्कुल वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पे ही डिपेंडेंट हो गए हैं सर्जन्स, और ओपन सर्जरी वो एक किस्म से ऑब्सोल्यूट होती जा रही है, वो उसको कम करते जा रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस ओपन सर्जरी में कम हो गया है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। आप लैप्रोस्कोपिक में भी एक्सपर्ट होने चाहिए और ओपन सर्जरी में भी एक्सपर्ट होने चाहिए। डॉक्टर, अगर हम बात करें यूट्रस के रिमूवल की, जैसे आप यूट्रस रिमूव कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में जैसे यूट्रस रिमूव करना है, तो उसमें कई बार
लेप्रोस्कोपिकली कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लोग देखते हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि सर्जन को ढूंढे आप, और एक बंदा जो जिसमें दोनों कलाएं हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि प्रभाकर हॉस्पिटल है जो वो एक पायनियर, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपको सब कुछ मिलता है। हमारे यहाँ हमने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है वो सब रखे हुए हैं। इवन हारमोनिक एक इक्विपमेंट होता है जो कि बहुत कम सेंटर्स में पाया जाता है। पानीपत में सबसे पहले हारमोनिक इक्विपमेंट प्रभाकर हॉस्पिटल ने ही खरीदा था आज से 12-13 साल पहले, और उसको हमने खूब इस्तेमाल किया है। वो जॉनसन एंड जॉनसन एथिकॉन का एक बड़ी अच्छी डिवाइस है। तो इस तरह से हर सर्जरी के लिए आपको लेटेस्ट इक्विपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक यह है कि जैसे आपने कहा, नॉट ओनली हिस्टरेक्टमी ही नहीं करते, हिस्टरेक्टमी में दिक्कत आ रही है तो आपको ओपन सर्जरी करनी आनी चाहिए, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और बहुत बड़े बड़े आजकल फाइब्रॉइड्स होते हैं, यूट्रस में बड़ी बड़ी रसोलियाँ होती हैं, तो भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने में एक्सपर्ट हैं और सब तरह की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जा रही है। इसके अलावा एक और टेक्निक है आजकल हिस्टरोस्कोपिक, जो अंदर की लेयर में यूट्रस की जो रसोलियाँ हैं, पॉलिप्स हैं, फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स वगैरह, उसको हम हिस्टरोस्कोपिकली रिसेक्ट कर रहे हैं। उसमें तो लेप्रोस्कोपी से भी और ज़्यादा एक एडवांस टेक्निक हो गई कि आपको कहीं कट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप केवल यूट्रस में ही स्कोप डालते हैं, यूट्रस में ही उसका डिवाइस डालते हैं जिससे आप उसको कट करके निकाल देते हैं। दोस्तों, जैसे आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संदीप प्रभाकर जी के साथ, आज का जो युग है जिसमें हम लोग वेट नहीं कर सकते, हम लोगों को चाहिए कि जब भी हमें कोई चीज़ की एग्जिस्टेंस आपको लगे कि हमारे कोई दर्द हो रहा है, हम लोग परेशान हैं, तो आप एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिक पे जाएं और उनके साथ आप सलाह मशवरा करके और उनके साथ आप अटैच हों और उनके साथ उनकी सलाह लेने का कोई हर्ज नहीं है, सलाह ही ले लें। और ये ना हो कि वही जो है स्टोन्स हैं जो वो आपको बाद में किडनी, आपकी अगर किडनी में स्टोन्स हैं तो आपकी किडनी को डैमेज कर दें, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, किडनी के कई ऐसी लोकेशन हैं जहाँ स्टोन अगर पड़ा रहेगा, ख़ासतौर पे यूरेटर में अगर फंसा हुआ है स्टोन, तो वो ब्लॉकेज कर देता है किडनी में और अल्टीमेटली किडनी ख़राब हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, पेशेंट को पता भी नहीं लगता उसकी किडनी ख़राब हो गई, वो जब अल्ट्रासाउंड कराने जाता है या ब्लड टेस्ट होते हैं तो पता लगता है कि किडनी को नुकसान हुआ है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभी, तो किसी भी चीज़ को डॉक्टर भी खुद ही एडवाइस, अब हर एक स्टोन के लिए हम भी नहीं कहते कि इमीडिएटली सर्जरी कराओ, अभी करानी ज़रूरी है। हम भी कहते हैं छोटा मोटा स्टोन है 2-4-5 mm का, तो ये शायद निकल जाएगा अपने आप यूरिन के रास्ते से, पानी ज़्यादा पियो, ऐसी एडवाइस हम पेशेंट्स को देते हैं कि आप अपना ख्याल रखो, इन्फेक्शन ना हो, पानी पीते रहो ताकि स्टोन निकल जाए। जब बड़ा स्टोन है, हमें पता है ये निकलेगा ही नहीं, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसको ऑपरेशन ही कराना है, तो फिर उस स्थिति में पेशेंट्स को ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। सर, जैसे ये डे सर्जरीज हैं और पहले वाली बात नहीं है कि ऑपरेशन हो गया, हम लोग डंकी हो गए, जैसे पहले लोगों को लगता था कि अगर हम ऑपरेशन कराते हैं तो हमारे कट लग जाता है बहुत बड़ा, और हम लोग जैसे कहते हैं इसका तो ऑपरेशन हुआ है, मतलब बड़ी बेचारी की निगाह से हम लोग देखते थे आज से 20 साल पहले जब आपने ये सर्जरी शुरू की थी। तो आजकल तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तो हर तीसरा बंदा है, जो वो चौथा बंदा है वो भी करवा रहा है, और उसको कोई ऐसी बात ही नहीं है कि उसकी एनर्जी लेवल्स कम होंगे या उसको कोई ऐसा बेचारे वाली बात होगी। हाँ, पहले जब ओपन सर्जरी थी तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता था, पेशेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा लंबा रहता था और छुट्टी होती थी उसके बाद भी उसको काफ़ी समय लग जाता था उससे उभरने में। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेशेंट जल्दी छुट्टी होती है, उसको तकलीफ़ कम होती है, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब उसको प्रॉब्लम्स कम होती हैं तो वो जल्दी काम पे जा सकता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसको ज़्यादा लंबा समय रेस्ट करने की ज़रूरत है। आजकल हर बंदा काम में अपने बिजी है और चाहता है कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी मैं अपने काम पे वापस चला जाऊँ, क्योंकि उसका हम कहते हैं ना एक मैन आवर्स वेस्ट हो रहे हैं। तो पहले ये दिक्कत थी, 1.5-2 महीना रेस्ट करना पड़ता था, काम पे जाना मुश्किल होता था, लेकिन आज वो समस्या नहीं है पेशेंट्स के साथ, वो इमीडिएटली तुरंत काम पे जा सकते हैं। सर, जो जैसे आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल बना हुआ है जिसमें इंडोर हैं हम लोग और जंक फूड्स हैं, तो क्या ये भी रिस्पॉन्सिबल है आने वाले समय में कि ये ज़्यादा से मतलब जो ये जो चीज़ें एग्जिस्टेंस जिनका बहुत कम होता था, कभी कभी पथरी देखी जाती थी, आजकल ये अक्रस काफ़ी बड़े? जंक फूड एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन में हाई फैटी डाइट है, जंक फूड में
ये जो है डाइट अच्छी नहीं है, ये बहुत बड़ा कारण है। जंक फूड तो एज सच किसी भी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए हेल्थ का एक बहुत बड़ा हैजर्ड है। वो है मतलब ना केवल पथरियाँ उसे या कुछ भी कोई भी कई तरह की बीमारियां उसे उत्पन्न होती हैं जंक फूड से, वो तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आज से 50 साल पहले 40 साल पहले लोगों को नहीं मिलता था ऐसा जंक फूड, वो साधारण खाना खाते थे। आज फिर साइंस यही कह रही है कि आप वापस उसी पे चले जाओ, उसी तरह से खाओ, दो समय खाओ, सादा खाना खाओ, और बीच में जो है इस तरह के जंक फूड और इस तरह के जो फालतू की जो मार्केटिंग स्टंट्स आ गए हैं, कंपनियां मार्केटिंग के चक्कर में आपको ये प्रमोट कर रही हैं ये खाओ वो खाओ, आप उनसे बचो। आज भी हम यही संदेश देते हैं, हमारे हर पेशेंट को हम ये एडवाइस देते हैं कि ऐसे खाने से तो बचना चाहिए, आपको कई बीमारियों से बचाव होगा, ना केवल सर्जिकल प्रॉब्लम से बल्कि मेडिकल प्रॉब्लम से भी। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है, ये सारा, और मोटापा और ब्लड प्रेशर शुगर आगे और बीमारियों को जन्म देता है। तो सर जो कम्बिनेशन है इस हॉस्पिटल में, अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी की बात करें, तो जैसे कपल जाते हैं आपके पास और आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, मैडम लेडीज़ की काउंसलिंग करती है, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो बन जाता है और पेशेंट के लिए बड़ा इजी होता है, क्योंकि आप लोग जब कपल आते हैं, इनफर्टिलिटी का जो रेट है बहुत बढ़ रहा है, मेल इनफर्टिलिटी वाले कई बार छुपाते हैं, चीज़ें छुपाते हैं, लेकिन जब वो मेल से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हैं जो शॉर्ट आउट हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हॉस्पिटल है ये एक कंप्लीट हॉस्पिटल है जिसमें इनफर्टिलिटी का हर ट्रीटमेंट है? हमारा हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी में आप कहूँगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा, लेप्रोस्कोपिक, हिस्ट्रोस्कोपिक, इवन यूरोलॉजी आल्सो, एंडोस्कोपिक सर्जरी और गाइनी ऑब्स और इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ का एक बिल्कुल जो कहें एक टर्शरी केयर लेवल का सेंटर है। नॉट ओनली इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ, इवन जो पेशेंट्स के बार बार बच्चे खराब होते हैं, अबॉर्शन होते हैं, या बैड ऑब्स्टेट्रिक्स जिसको कहते हैं, बैड ऑब्स्टेट्रिक्स वाले पेशेंट्स भी हमारे पास बहुत आते हैं। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, जिनको ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह हो जाती है, या बार बार उनके अबॉर्शन होते हैं, बार बार बच्चे खराब होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। इसके अलावा गायनेकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं जिनका समाधान नहीं हो पाता, वो पेशेंट्स भी हमारे पास, इन दोनों चीज़ों के लिए हमारा टर्शरी केयर सेंटर एक किस्म से है पानीपत में, एंडोस्कोपिक सर्जरी, जनरल सर्जरी और ऑब्स गाइनी और इनफर्टिलिटी आईवीएफ के लिए। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और जाते जाते क्या मैसेज रहेगा हमारे देखने वाले दर्शकों को जो आसपास के एरिया में और सारा हरियाणा हिमाचल पंजाब चल रहा है, क्या कहते हैं? मेरा बहुत इम्पोर्टेंट संदेश ये रहेगा जो हम हर पेशेंट को देते भी हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, कि आप लोग सबसे पहले तो अपनी सेहत के बारे में जागरूक रहें, ताकि आपको डॉक्टर के पास कम से कम आना पड़े, हमारे पास कम से कम आना पड़े। जंक फूड आपने जैसे पॉइंट आउट किया, जंक फूड ना लें, हल्का फुल्का व्यायाम करें, पानी ज़्यादा पिएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें, और किसी भी तरह का गलत खाना ना खाएं जिससे आपको बार बार बीमार होना पड़े। और आप अपने आप को, मैं तो कई बार कहता हूँ पेशेंट्स की जो शुगर और ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है उनकी खुद की क्रिएट की हुई है, वो अगर अच्छी सेहत का अपना ध्यान रखे तो वो उनको दवाइयों से बचा जा सकता है, वो इस चीज़ से बच सकते हैं। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, और काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम हर पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, चाहे वो सिंपल एक कोई भी साधारण सी दवाई लेने भी आता है तो हम उसकी थोड़ी बहुत काउंसलिंग ज़रूर करते हैं कि आप ये ध्यान रखो अपनी सेहत के लिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच।